आपको बता दें कि मुरैना से आ रही है जहां पर पथराव हुआ है, तो ये हिंसा की घटनाएं अलग अलग जगहों से आ रही है जहां पर इस वक्त ये दरअसल मुरैना और जौरा विधानसभा के खिडौरा गांव में संघर्ष हुआ है, जमकर पथराव और लाठीचार्ज हुआ है। भाजपा से सूबेदार सिंह सिकवार तो कांग्रेस से पंकज उपाध्याय यहां से प्रत्याशी हैं। मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल इस वक्त जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। क्या वजह बताई जा रही है झड़प की? हालांकि कई बार तो हम यही देखते हैं प्रमुख तौर पर ऐश्वर्या कि ये हिंसा सुनियोजित होती है, यानी कि ये हिंसा उन्हें करनी होती है उसी तय समय पर और जगह पर। देखिए, मैं आपको बता दूं नेहा, जो हमें समझ में आ रहा है, ये जो पथराव हुआ है, जो हमें समझ आता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे, ये जो हिंसा है इसको वीडियो पे कैप्चर किया गया है। और इस समय हमें जो जानकारी मिल रही है, चुनाव आयोग तक इसकी शिकायत भी चली गई है। चुनाव आयोग इस समय जो उनके आसपास के जो लोग हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनको उस जगह पे भेज रहा है और जांच जो है इस चीज की अब शुरू की जाएगी। लेकिन हां, सुनने में यही आ रहा है कि शायद हो सकता है कि पहले से ये सब तैयारी हो, क्योंकि अचानक से हमने देखा किस तरीके से भिड़ंत हो गई और चुनाव आयोग जो है उसकी एक टीम जल्द से जल्द जो स्पॉट है जहां पर ये भिड़ंत हुई है वहां पे अपने लोगों को चुनाव आयोग जल्द भेज देगा। नेहा, तो चुनाव आयोग अपने लोगों को वहां पर टीम को भेजेगा ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार ये हिंसा की वजह क्या थी। लेकिन जानकारी के मुताबिक पथराव की खबर आई है, क्या लोग घायल हुए हैं, इस तरह की कोई जानकारी मिल रही है ऐश्वर्या आपको? देखिए, बहुत ज्यादा अभी ये साफ नहीं हुआ है कि कितने लोग घायल हुए हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कई सारे लोग जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ पथराव करने लगे थे। ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों के पास कुछ पेने और नुकीले जो है औजार थे, तो इन सब चीजों को लेकर यहाँ जो भिड़ंत हुई उसकी वजह से पोलिंग जो है उसको थोड़ी सी देर के लिए रोका गया। लेकिन अब जो खबरें आ रही है नेहा, जो पता चल रहा है वो यही है कि अब पोलिंग रिज्यूम की गई है, लेकिन चुनाव आयोग जो है उसकी टीम पहुंचेगी और पुलिसकर्मी जो है आसपास जिनको तैनात किया गया था वो सब भी जैसे ही ये खबर बाहर आई वहां पर स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के लिए विलंब जरूर हुआ था पोलिंग के अंदर, लेकिन अब सामान्य तौर पर पोलिंग को फिर से चालू किया गया है।